हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले VFX और CGI के डिफरेंस के बारे में। देखिए, VFX और CGI दोनों जो है आपके एनिमेशन वर्ल्ड और कंप्यूटर में और टेलीविजन सीरीज में और मूवी सीरीज में और जो आपके कार्टूनिस्ट सीरीज होती है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला है। और VFX होता क्या है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। VFX का शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं विजुअल स्पेशल इफेक्ट्स। ये क्या होते हैं, इमेजेस को क्रिएट करके उनको पोस्ट प्रोडक्शन किया जाता है, जहाँ पे वो रिसेम्बल होकर के ओरिजिनल की तरह लगती हैं, जहाँ पे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ स्पेशल सीन्स में, कुछ फोटोग्राफिक सीन में, जहाँ पे वो एक रीज़न रखती हैं। और इनका जो सेट्स होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और जो इसके स्टंट्स होते हैं VFX के द्वारा जो स्टंट्स होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। और VFX पिक्चर में भी काफ़ी फिल्म्स में भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज हो रही हैं, चाहे वो मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में हो, चाहे वो डीसी यूनिवर्स में हो, चाहे वो आपके हिंदी बॉलीवुड के सुपर हीरोज में हो, चाहे जैसे क्रिश हो गया, रावण हो गया, जीवन हो गया, आपका चिट्टी हो गया, ठीक है, चाहे रोबोट 2.0 हो, रोबोट हो, तो ये VFX की मदद से जो है VFX की मदद से आपको काफ़ी जो एनिमेटेड होता है वो आपको ओरिजिनलिटी के तौर पे दिखाया जाता है। अगर हम बात करते हैं CGI की, CGI एक प्रकार का इमेज होता है, इसको कहते हैं कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स। देखिए, जो कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स होते हैं इसको जो है फिल्म्स मीडिया में भी यूज़ किया जाता है। ये वॉल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इमेजेस आपकी 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती हैं, और यहाँ पे आपको जो CGI इमेजेस होती हैं वो 3D मॉडल्स को क्रिएट करवाया जाता है। यहाँ पे आपका जो आर्किटेक्चर होता है वो काफ़ी जो है ट्रेडिशनल तरीके से शो किया जाता है। VFX और चाहे CGI दोनों जो है आपके मूवीज प्रोडक्शन हाउस में और कार्टून सीरीज में और एनिमेटेड सीरीज में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसका जो मेन मोटिव होता है वो सिर्फ इनकम करना होता है और एंटरटेनमेंट को प्रोवाइड करना होता है दर्शकों को या कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को। VFX क्या होता है, विजुअल इफेक्ट्स होता है, जहाँ पे आपका एलिमेंट इंटीग्रेट होता है, यानी कि जुड़ता है लाइव एक्शन में। CGI क्या होता है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी होती है, जो ये 2D और 3D के फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे एनिमेशन इंटीग्रेशन को लाइव एक्शन के फॉर्म में जोड़ा जाता है। FX डिजिटल इफेक्ट्स जिसे कहते हैं वो 3D वर्ल्ड में ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है लाइव एक्शन फोटेज के लिए। तो ये डिफरेंस होता है VFX CGI और FX में, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है आपको हाई डेफिनेशन में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि आपने जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी होगी, जुरासिक वर्ल्ड मूवी में आपको डायनासोर्स दिख रहे होंगे जो कि जो हीरो की उसकी बात मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो आप देखते हैं वो होता नहीं और जो होता है वो आपको दिखता नहीं। तो जैसे कि आपने टर्मिनेटर फाइव आपने देखी होगी, टर्मिनेटर जेनेसिस, जो रियल में 1984 में जो एम्लॉर्ड थे वो रियल में थे, लेकिन जो 2015 में जो आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा जो आपने एम्लॉर्ड को देखा था वो रियल नहीं थे, वो कंप्यूटर बेस्ड डिज़ाइन में दिखाए गए थे। तो ये जो दोनों में है ये डिफरेंस है। अब आपको जो इसमें रियल है वो आपको दिखता नहीं, क्योंकि जो रियल जो फोटेज है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा जो है आपको रियल नहीं दिखाया जाता, उसमें कुछ ना कुछ एनिमेटेड करके आपको दिखाया जाता है, जिससे कि आपको एंटरटेनमेंट जो है प्रोवाइड हो सके। जब आप ऐसी कोई सीरीज देखते हैं तो आप उस पर विश्वास करने लगते हैं, तभी आपको जो है एंटरटेनमेंट का लाभ मिलता है और फिल्म प्रोडक्शंस को उसमें इनकम से जनरेट होके प्रॉफिट उनको मिलता है, जिससे कि वो आगे की नेक्स्ट सीरीज बनाते हैं। जैसे कि जुमान जी का नेक्स्ट लेवल सीरीज बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके बहुत सारी जो एनिमेटेड सीरीज है, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स भी पूरा VFX और CGI पर पूरा बेस्ड है, जिसके द्वारा जो है काफ़ी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड होता है। जुरासिक वर्ल्ड में भी VFX का बखूबी अच्छी प्रकार से इस्तेमाल किया गया है, और जुरासिक पार्क में भी इस VFX का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स हैं वो हम लोग को ओरिजिनल तरीके से लगते हैं, जबकि वो ऐसा होते नहीं हैं। तो रोबोटिक्स में भी VFX का काफ़ी अच्छी प्रकार से इस्तेमाल होता है, और यहाँ तक कि सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ में ही नहीं, बॉलीवुड मूवीज़ में भी VFX और CGI का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं शाहरुख खान और दीपिका पाडुकर जो है, आप देख रहे हैं कि वो लोग डांस कर रहे हैं जंगल में, जबकि ऐसा है नहीं, वो एक स्टूडियो में ही वो लोग डांस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बाहुबली जो है जंगल से आप पेड़ों में कूद रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, वो VFX की मदद से आपको ऐसा लग रहा है।
तो ये जो जनरेटेड होते हैं VFX के तौर पे दिखाई देते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज इन फॉर वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन।